हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिलीप चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप में वेलकम स्क्रीन के बारे में, जिसको हम होम स्क्रीन भी कहते हैं। हम सीख रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट फोटोशॉप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स आ चुके हैं जिनके बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे जरूर देखेगा। मैंने उसमें बताया है कि किस तरह से आप वर्कस्पेस को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से अपना वर्कस्पेस बना सकते हैं, किस तरह से वर्कस्पेस लॉक कर सकते हैं, वर्कस्पेस से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। और आज हम बात करने वाले हैं होम स्क्रीन के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपके नोटिफिकेशन तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। अब हमारा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। अब आप यह जो स्क्रीन देख पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं वेलकम स्क्रीन। अगर आप फोटोशॉप का पुराना वर्जन जैसे 7.0, CS3 या CS6 वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें आपको इस तरह की वेलकम स्क्रीन नहीं दिखाई देती है। पर अगर आप CC 2017 के ऊपर के वर्जन जैसे 18, 19, 20 या 21 यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें आपको इस तरह की वेलकम स्क्रीन दिखाई देती है। कई यूज़र्स ऐसे होते हैं जिन्हें वेलकम स्क्रीन पसंद नहीं होती है, तो वह किस तरह से वेलकम स्क्रीन को डिसेबल कर सकते हैं वह हम आगे समझने वाले हैं। तो वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखिएगा, बिना स्किप करें। अब आप यहाँ पर जो फाइल्स या फोटोज़ देख पा रहे हैं, यह वह फोटोज़ है जो मैंने रिसेंटली अभी तक फोटोशॉप में ओपन किए हैं। अगर आप देखें तो इनकी संख्या अभी बाई डिफ़ॉल्ट 20 है, जो फोटोशॉप के द्वारा सेट होती है। अगर आप इनकी संख्या को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि किस तरह से की जाती है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा फोटोशॉप में प्रेफरेंसेस और जनरल पे, या आप शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं कमांड के। और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा एडिट में प्रेफरेंसेस और जनरल पे, या आप शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के। यहाँ पर आपको फाइल हैंडलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे एक दिखाई देता है रीसेंट फाइल लिस्ट कंटेंट्स। यहाँ पर अभी 20 है, आप कम से कम इसे 0 कर सकते हैं और मैक्सिमम 100 कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अगर 5 क्लिक करके मैं ओके कर सकता हूँ तो यहाँ पर 5 ही शो होगी। अभी मेरी विंडोज़ में इतनी फाइल्स नहीं है, मैं आपको मैक पे दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं आपको मैक पे दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ जाता हूँ फोटोशॉप प्रेफरेंसेस जनरल में, और यहाँ पर मैं फाइल हैंडलिंग में जाके यहाँ पर कर देता हूँ 5 और ओके। तो अब मैं जब फोटोशॉप को रीस्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर ओनली 5 फाइल्स ही शो होगी। अब मैं इसे रीस्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सिर्फ 5 रिसेंट फाइल ही यहाँ पर शो हो रही है। अगर आप किसी भी रिसेंट फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस फाइल पर क्लिक करना होगा, तो वह फाइल ओपन हो जाएगी। और क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आप किसी भी रिसेंट फाइल का लोकेशन पता करना चाहते हैं कि वह आपकी हार्ड ड्राइव में कहाँ पर है, तो उसके लिए आपको उस फाइल पर माउस का कर्सर लेकर जाना होगा, तो आपको दिखाई देगा कि वह फाइल किस लोकेशन पर है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम रिसेंट फाइल को ओपन करते हैं तो एक एरर शो होता है, तो वह कैसे शो होता है आइए समझते हैं। अगर मैं इस फाइल को अपनी हार्ड डिस्क में से डिलीट कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ और अब इसे मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर एक एरर शो हो रही है कि कैन नॉट ओपन द सिलेक्टेड आइटम, यानी कि हम इस आइटम को ओपन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह हार्ड ड्राइव में से ही रिमूव हो चुकी है। अगर मैं वापस से यहाँ पर वो फाइल लेके आ जाता हूँ और अब इसे ओपन करता हूँ, तो यह वापस से रिसेंट में आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट के बारे में। अगर आप अपनी रिसेंट फाइल को अपने अकॉर्डिंगली शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा शॉर्ट के आगे ऑप्शंस पे। अभी आप यहाँ देखें तो यह फाइल्स नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट है। अगर मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं चाहूँ तो इसे रिसेंट के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकता हूँ, साइज़ के अकॉर्डिंग और काइंड के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकता हूँ। अभी जैसे यह नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले नंबर वाली फाइल से, फिर H, फिर I और फिर W,
ये असेंडिंग ऑर्डर में है। इसका ऑर्डर मुझे चेंज करना हो तो यहाँ पर एक एरो दे रखा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि यह डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुकी है, जिसमें यहाँ पर W फिर I फिर H और फिर नंबर आ चुके हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये नेम से शॉर्ट ना होकर रिसेंट से हो, तो यहाँ पर नेम की जगह मैं क्लिक कर देता हूँ रिसेंट पर। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो फाइल्स मैंने रिसेंटली ओपन की है वह फर्स्ट में आ चुकी है और जो काफ़ी टाइम पहले मैंने ओपन की थी वो लास्ट में आ चुकी है। अब इनका भी ऑर्डर मैं यहाँ सर चेंज कर सकता हूँ। अब अगर यहाँ रिसेंट की जगह मैं चाहूँ तो साइज से भी कर सकता हूँ, यानी कि कम MB का साइज़ पहले आएगा और ज़्यादा MB का साइज़ बाद में आएगा। जैसे अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 27 MB का जो फाइल है वह फर्स्ट में आ रहा है और 41 KB का जो फाइल है वह लास्ट में आ रहा है। इसका ऑर्डर भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि जो कम साइज़ की फाइल है वह फर्स्ट में आ रही है और ज़्यादा MB की जो साइज़ है वह लास्ट में आ रही है। अब हम इसे काइंड से भी चेंज कर सकते हैं। काइंड यानी कि जैसे अलग अलग टाइप की फाइल्स होती है, जैसे JPG होती है, PHD होती है, PNG होती है और भी कई फाइल्स होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली यह मैनेज करके आपको बताएगा। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर JPG पहले आ रही है, उसके बाद PNG आ रही है। इसका भी ऑर्डर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं फिल्टर के बारे में। फिल्टर का यूज़ फाइल को सर्च करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप वाली फाइल यहाँ पर आ जाती है। अगर मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ हार्ट, तो यहाँ पर हार्ट वाली फाइल आ जाती है। आप चाहें तो इन्हें एक्सटेंशन के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि ओनली PNG फाइल आए, तो मुझे टाइप करना होगा .png, तो ओनली PNG फाइल्स ही यहाँ पर शो होगी। और JPG सर्च करना हो तो .jpg, तो सिर्फ JPG फाइल्स ही यहाँ पर शो होगी। अगर आपके पास PHD फाइल्स भी यहाँ रिसेंट में है तो .phd लिख कर भी आप देख सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं व्यू के बारे में। अगर अभी आप यहाँ देखें तो यहाँ पर थंबनेल व्यू आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ लिस्ट वाइज आए, तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर अब लिस्ट वाइज शो हो रहा है। यहाँ पर भी आप जैसे नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं, रिसेंट, साइज और काइंड के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओपन के बारे में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ओपन, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप जिस भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं इस फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओपन पर क्लिक करता हूँ तो यह फाइल ओपन हो जाती है। अगर आप मल्टीपल फाइल्स ओपन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ मेन्यू बार में फाइल पर ओपन, या आप शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं कमांड O, या अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+O। यहाँ पर मैं दो फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन, तो आप जितनी चाहे उतनी फाइल्स इसमें ओपन कर सकते हैं। अगर आप इन्हें क्लोज करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करके इन्हें क्लोज कर सकते हैं। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हैं Command+W, और विंडोज़ के लिए आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+W। अब हमारा एक लास्ट ऑप्शन बचा है क्रिएट न्यू, इसको हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके लिए मैं एक फुल ट्यूटोरियल बनाऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से वेलकम स्क्रीन को डिसेबल किया जाता है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा फोटोशॉप में, प्रेफरेंसेस और जनरल पर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑटो शो दी होम स्क्रीन, इसको मैं अनचेक करके ओके कर देता हूँ। अब आपको एक बार किसी भी फोटो को ओपन करना होगा और क्लोज करना होगा तो वो होम स्क्रीन डिसेबल हो जाएगी। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी सेम इसी तरह से करना है। उसके लिए आपको जाना होगा एडिट में, प्रेफरेंसेस, जनरल में। यहाँ पर ऑटो शो दी होम स्क्रीन को हम अनचेक कर देते हैं और ओके। अब मैं किसी भी फोटो को ओपन कर लेता हूँ। और इसे क्लोज कर देता हूँ। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी होम स्क्रीन थी वह डिसेबल हो चुकी है। अब हम समझ लेते हैं कि किस तरह से हम रिसेंट फाइल्स को क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा फाइल, ओपन रिसेंट, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर रिसेंट फाइल लिस्ट। यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सारी फाइल्स क्लियर हो चुकी है। आई होप आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।